हरियाणा खास खबर में आपका स्वागत है। मैं अश्वनी शर्मा, आज आपकी कुछ इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं के साथ आपकी मुलाकात कराता हूं। इनमें मुख्य तौर पर निश्चिंग से जो ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा जिनको निश्चिंग से उनका प्रभारी बनाया गया है, उनमें मुख्य तौर पर सरदार सुखचैन सिंह जी लागर है। हम आपकी मुलाकात उनसे कराने जा रहे हैं। हाँ जी सुखचैन सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले हरियाणा खास खबर जो यूट्यूब चैनल है उनका धन्यवाद करता हूँ, और उसके बाद जो भी लोग हरियाणा खास खबर यूट्यूब चैनल को देखते हैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो जो भी खबर हरियाणा खास खबर पर यूट्यूब चैनल पर लगती है वो उसको देखें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। आपका जो ये अभी जो इलेक्शन की घोषणा हुई है एलाहाबाद की, जो मात्र एक सीट थी आपके पास, और उसमें आप क्या दोबारा अपना इसमें बचा पाएंगे सीट को? मैं उसके ऊपर बात करने से पहले, जो आज का खास दिन है सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन से, उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। सरदार शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन दिवस पर मैं सारे देशवासियों को बधाई देता हूँ और देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो शहीद आजम सरदार भगत सिंह के पद चिन्ह पर चले और देश की तरक्की में साथ दें, क्योंकि शहीद आजम भगत सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा योगदान दिया। तो इसीलिए मैं सभी देशवासियों को अनुरोध करूंगा कि शहीद आजम भगत सिंह के पद चिन्ह पर चलकर देश को प्रगति के पथ पर लेकर चले। इस संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने काम बात करते हैं। और जो दूसरी बात आपने पूछी एलाहाबाद उपचुनाव के बारे में, एलाहाबाद उपचुनाव एक इतिहास रचेगा, इंडियन नेशनल लोकदल एक इतिहास रचेगी। भाई अभय सिंह चौटाला जिस भी प्रत्याशी को एलाहाबाद उपचुनाव में खड़ा करेंगे, एक तरफा जीत होगी, बाकी सभी दलों की जमानत जब्त होगी। तो क्या इसमें दोबारा अभय सिंह को टिकट दिया जाएगा? जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, जो भी प्रत्याशी मैदान में आएगा, एक तरफा जीत से जीतेगा। आपने जो जीत चौधरी देवीलाल जी के पुण्य जन्मदिन था उसको मनाया आपने, काफी मात्रा भीड़ वहां इकट्ठी हुई है, और आपने जींद को ही क्यों चुना? क्योंकि जींद को हरियाणा का सेंटर माना जाता है, इसलिए या क्या मानसिकता थी उसके पीछे? ऐसा है, जींद एक ऐसी धरती है जहाँ से हरियाणा की राजनीति तय होती है, हरियाणा की राजनीति तय होती है, और इसीलिए हमने जींद को चुना। और जींद की जो ताऊ देवीलाल के सम्मान दिवस जन्मदिन पर जो रैली मनाई गई, आपने उस रैली में देखा होगा कि लाखों की संख्या में सब सारे हरियाणा से अपना लोग और कार्यकर्ता पहुंचे। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ना तो कोई सरकार आने का, कोई इलेक्शन का टाइम है, तो अगर आज इतनी जनता वहां पहुंची है तो आप अंदाज़ा लगा लो भी आने वाले टाइम में क्या होगा। इंडियन नेशनल लोकदल की एक आंधी चलेगी और उस आंधी में बीजेपी कांग्रेस उठ जाएंगे, और आने वाला जो वक्त है इंडियन नेशनल लोकदल का है। इंडियन नेशनल लोकदल की आने वाले टाइम में सरकार बनेगी, चाहे वो मध्यावधि चुनाव हो चाहे टाइम पूरे पे चुनाव हो, सरकार इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी। परंतु अभी तो आपको सिर्फ इसी सीट पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा, या मतलब इसी पे फोकस करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ताकि आपकी मान सम्मान की जो लड़ाई है वो बरकरार रहे। आप टाइम तो आने दो, जब गिनती होगी आपको पता चल जाएगा भी इंडियन नेशनल लोकदल का तूफान चल चुका है। ठीक है, इलेक्शन के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। ये थे सरदार सुखचैन सिंह जी लागर, इंडियन नेशनल लोकदल निश्चिंग जोन के प्रभारी। धन्यवाद।